नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। इन दिनों लगभग समूचा विपक्ष जो है वो ईडी से परेशान है, इसलिए क्योंकि ईडी ने कई बड़े बड़े नेताओं के जो कथित करप्शन के मामले हैं उनके खिलाफ फाइलें खोल रखी हैं। ईडी इन मामलों में तेजी से जांच भी कर रही है, और ये ईडी की जांच का नतीजा है कि एक तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो अभी भी काफी दिनों से, लंबे समय से जेल में हैं, उनको जमानतें नहीं मिल रही हैं। कई बड़े बड़े नेता, टीएमसी के नेता, दूसरे बड़े नेता, उनके घरों से लोगों ने पैसे की भरमार जो है, पैसे के पहाड़ निकलते देखे। जो टॉयलेट होते हैं, बाथरूम होते हैं, बाथरूम के फ्लश के अंदर जो है सोने चांदी के गहने भरे हुए कैसे रखे थे, देश ने यह सब देखा। लेकिन देश में एक लगातार नैरेटिव चलता है या चलाया जा रहा है कि ईडी जो है विपक्ष को परेशान करती है। ईडी दरअसल बीजेपी का टूल बन गई है, और ईडी का दफ्तर जो है वो दरअसल बीजेपी का दफ्तर बन गया है, और ईडी जो समन भेजती है वो बीजेपी के समन होते हैं। तो ईडी के समन से देश के दो मुख्यमंत्री जो है इस वक्त परेशान है एक तरफ। लेकिन इन सबका जो, अगर ईडी अगर गलत कर रही है, अगर ईडी की जांच में कुछ त्रुटि है, तो फिर उसको रोकने का एक तरीका यह है कि आप अदालत चले जाएं, अदालत में जाकर कहें कि देखिए ये जो दरअसल हमें नोटिस आया है ये नोटिस गलत है, ये कहा जा सकता है जांच गलत हो रही है। ईडी के अधिकार को कम करने, ईडी की जांच को रोकने के लिए हालांकि सुप्रीम कोर्ट में कई बड़े नेता, बड़े धुरंधर पार्टियों जो हैं उनके वकील ईडी में गए थे, सुप्रीम कोर्ट में गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो नहीं माना, और सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ईडी की जो जांच है उसमें कुछ भी गड़बड़ियां नहीं है, वो सही दिशा में। शायद यही वजह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में भी ईडी के खिलाफ कोई राहत नहीं मिली, तो पश्चिम बंगाल में आज टीएमसी के लोग ईडी को रोकने के लिए बाकायदा पत्थरबाजी पर उतर आए। जी हां, आज ईडी की जब टीम जो है बाकायदा पश्चिम बंगाल में एक टीएमसी नेता के घर जब जांच के लिए पहुंची थी, सबूत जुटाने के लिए पहुंची थी, तो उस टीम पर जानलेवा हमला कर दिया गया। इस हमले में ईडी का एक अधिकारी जो है बुरी तरह से घायल हुआ। ये शुक्र है कि उसकी जान बच गई, लेकिन जिस तरह का हमला किया गया था वो जानलेवा हमला था। इसको लेकर देश भर में आज चर्चा हो रही है, लेकिन जो लोग संविधान की अक्सर दुहाई देते हैं आज वो खामोश हैं, क्योंकि संविधान के तहत जो लोग डेमोक्रेसी की दुहाई देते हैं वो आज खामोश हैं, क्योंकि संविधान और डेमोक्रेसी तो ये कहती है ना कि आपको ईडी की अगर कार्रवाई पसंद नहीं आ रही तो आप संवैधानिक रूप से कोई रास्ता निकालिए, लेकिन पत्थर चलाना तो डेमोक्रेसी नहीं है, पत्थर चलाना तो संवैधानिक नहीं है। लेकिन आज देखिए जो लोग डेमोक्रेसी और संविधान की बात करते हैं आज वो पत्थरबाजी पर उतारू हैं। क्यों? और बड़ी बात यह है, आखिर ऐसा क्या छुपाया जा रहा है जो ईडी के हाथ लग गया तो गजब हो जाएगा। आखिर ऐसी क्या चीज है जिसको लेकर के आप किसी की जान लेने पर उतारू हो जाएं? कुछ तो गड़बड़ है। अगर वो गड़बड़ ना होती तो इतना बड़ा हमला भी ना होता। आज पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ, जिस तरह से ईडी पर आज जानलेवा हमला किया गया दो टूक में, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ दृश्य दिखाता हूं। कुछ दृश्य ऐसे हैं जो हम आपको ज्यादा नहीं भी दिखा रहे, क्योंकि वो विचलित कर सकते हैं, ऐसे दृश्य हैं। लेकिन साथ साथ जो उस पर उसके बाद बयानबाजी हो रही है वो भी सुनिए, और जैसे हमला हुआ, किस तरह से भीड़ ने हमला किया, वो भी अपनी आंखों से देखिए।
लोगों ने अटैक नहीं किया, ये टीएमसी के कैडर्स थे, गुंडे थे और रोहिंग्या एफआईआर नेम बीजेपी जिसको चोर बोला था उसका घर में कोई रेड नहीं, लेकिन तृणमूल का घर देख के ही वो रेड करने चला जा रहा है और उस इलाका में प्रोवोकेशन दे रहा है। जब कोई भी राज्य पर ऐसा घटना बार बार घटते है तो ये प्रमाणित करते हैं कि उस राज्य की जो राज्य सरकार है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में पूरी तरह से फेलियर है, और ये भी प्रमाणित करते हैं कि उस राज्य का जो लॉ एंड ऑर्डर है पूरी तरह से कोलैप्स्ड हो चुका है। टीएमसी लीडर शाहजहां शेख, इनके यहाँ ईडी छापा मार रही थी, पहले तो कोई घर से निकला नहीं, उसके बाद ये जानलेवा हमला हो जाता। आप सोचिए कितना चिंताजनक है, पुलिस ने ईडी के अफसरों से बात करने से मना कर दिया। तो मैं ये कहूंगा शाहजहां शेख, मामला तो शाहजहां शेख का है पर शह किसकी है, ये शेखी किसकी है कि मैं कानून से ऊपर हूं, ये तो अराजक ममता बनर्जी की ही है। पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला बोला है आज ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ, इसमें ये जगजाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहते हैं कि अगर ईडी इतना इडियट कब से हुआ पता नहीं, उनको सारे फौजों को साथ में लेकर चलना चाहिए। आज तो जख्म हुए, अगले तारीख खून भी हो सकते, क्योंकि बंगाल में ये सारे आदि हैं। आज जख्मी हुए हैं, कल ईडी वाले अगर ख़त्म हो जाए, खून हो जाए, तो हमें मुझ जैसे लोगों के लिए ये आज सच की बात नहीं होगी। तो कांग्रेस के नेता जो है अधीर रंजन चौधरी, वो ये कह रहे हैं आज तो पत्थर पड़े हैं लेकिन बंगाल में हत्या भी हो सकती है ईडी के लोगों की, और उनको इस बात पर आश्चर्य नहीं होगा। क्या वो बंगाल की स्थिति बता रहे हैं? बंगाल में दरअसल ऐसी ही सिचुएशन है। ये मत भूलिए कि बंगाल में चुनाव के पहले, चुनाव के बाद जिस तरह से राजनीतिक हिंसा हुई थी, उस मामले में पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणियाँ की थी और मामला अभी भी अदालत में है। वहां पर जो है महिलाओं का बलात्कार किया गया, जो राजनीतिक विरोधी थे उनका बलात्कार किया गया, और आज जो है ईडी पर इस तरह का हमला हुआ। लेकिन दिलचस्प बात मालूम है क्या आपको? मैंने कांग्रेस का सुना, एक इंडिया अलायंस जो है वो बना हुआ है जिसमें अभी मालूम नहीं टीएमसी और कांग्रेस एक साथ है। आजकल जो बयान आ रहे हैं वो तो विरोधी आ रहे हैं, लेकिन वैसे अगर देखें तो इंडिया अलायंस में दोनों पार्टियां साथ हैं। तो उसी अलायंस में ममता बनर्जी भी हैं, उसी अलायंस में अधीर रंजन चौधरी भी हैं, और अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि बंगाल के हालात ऐसे हैं कि वहां ईडी अधिकारियों की हत्या भी हो सकती है। लेकिन बंगाल में, पश्चिम बंगाल में अगर मैं टीएमसी की बात करूं तो सबसे ज्यादा लड़ाई जो है किससे है, वो है लेफ्ट से, वामपंथियों से, क्योंकि वामपंथियों को ही सत्ता से हटाने के लिए ममता बनर्जी ने टीएमसी का गठन किया था और वो सत्ता में आई तो आज उन्होंने वामपंथियों को किनारे धकेल दिया है। लेकिन आपको आज जो कुछ बंगाल में हुआ उस पर वामपंथ, लेफ्ट की एक नेता का बयान सुनवाता हूं, आप सुनकर हैरान होंगे। एक शब्द इस हमले के खिलाफ नहीं निकला। ये कौन सी राजनीति है? लेफ्ट के लोग आखिर कहां जा रहे हैं जो बाकायदा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते थे, जो शुचिता की बात करते थे, आज इस हमले पर वो खामोश हैं। सुनिए जरा, आपको सुनवाता हूं ये बयान। इस तरह से ईडी का इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है, एक तो तमाम विपक्ष के नेताओं के खिलाफ उसका इस्तेमाल करना, उनको जेल भेजना, ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार को जो चला रहे हैं वो आने वाले चुनाव से कुछ डरे हुए हैं, इसीलिए सारे विपक्षी नेताओं पर ईडी का केस लगा करके उनको जेल भेजने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। दिल्ली के सीएम भी सोच रहे हैं कि वो भी अंदर जाएंगे, झारखंड के सीएम को भी अब खौफ है कि वो भी अंदर जाएंगे।
तो ये ठीक चुनाव के पहले जो हो रहा है, इससे कुछ सवाल उठते हैं कि आखिर विपक्ष के ही लोगों को क्यों टारगेट किया जा रहा है। तो लेफ्ट की नेता सुभाषिनी अली का यह बयान किसी और दिन होता तो समझ में आता, लेकिन आज जबकि जानलेवा हमला हुआ है ईडी की टीम पर, उसके बाद आज ये इस तरह का बयान जो है देना, ये वाकई बहुत शर्मनाक है। आपकी ईडी से दुश्मनी हो सकती है, ईडी के खिलाफ आप बोल सकती हैं, ईडी की कार्रवाइयों पर आप आवाज़ उठा सकती हैं, लेकिन ईडी पर हमले को जस्टिफाई करने के लिए आप अपना रोज़ का नैरेटिव आज भी लेकर आएं, तो ये देखकर दुख भी होता है और जो लेफ्ट के नेता हैं उनकी स्थिति देखकर अफसोस होता है। और इसी पर आज की चर्चा, आज की डिबेट को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मेरे आज जो मेहमान आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं, आइए मैं मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ फिलहाल जो है शिवम त्यागी जुड़ चुके हैं। शिवम त्यागी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। शिवम त्यागी, मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के नेता कमरू चौधरी जी जुड़ चुके हैं। नीलू रंजन मेरे साथ जुड़े हैं। नीलू रंजन जो हैं वो वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर सत्येंद्र सिंह भी जुड़े हैं और बहुत बहुत जल्दी मेरे साथ टीएमसी सपोर्टर तौसीफ अहमद भी जुड़ेंगे। पहले मेरे पास जानकारी आई कि राजीव चौधरी टीएमसी के नेता जुड़ रहे हैं, लेकिन अभी मुझे जानकारी दी गई राजीव तिवारी, लेकिन अभी मुझे बताया गया तौसीफ अहमद जो है जल्दी जुड़ रहे हैं। मेरा पहला सवाल जो है मैं कमरू चौधरी जी आपसे आज करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मैंने सुना जो आपके नेता कह रहे थे कि बंगाल में अगर ईडी नेताओं की हत्या भी हो जाए तो मैं हैरान नहीं होऊंगा। क्या वास्तव में बंगाल की, पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो इस तरह से इस हद तक तानाशाही पर उतर आई है, इस हद तक गुंडागर्दी पर उतर आई है? अशोक जी, सबसे पहले तो ये समझना होगा ये शाहजहान शेख है कौन, या शाहजहान शेख जैसा लोग है कौन बंगाल में। ये 2011 से पहले ये सीपीएम के कार्यकर्ता हुआ करते थे, सीपीएम के गुंडा हुआ करते थे। यही लोग जो है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता को मारे थे, पीटे थे, बूथ जाम किए थे, बूथ लूटे थे, बहुत कुछ हुआ था, जिसको लड़ाई करने के लिए तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस एक साथ मिलकर 2011 में हमने इनको सत्ता से हटाया। अब ये लोग जो है कि इतना सुविधावादी है कि 2012-13 में मेरे ख्याल से ये शाहजहान शेख जो आज के वहां पे ब्लॉक सभापति है वो ज्वाइन किया तृणमूल कांग्रेस में। ये लोग जो है कि इस वक्त जो है कि प्रशासन पे इस तरह से कब्जा जमाए हुआ है बंगाल में कि हमारा कार्यकर्ता, हमारे जो वर्कर्स है, हमारे लीडर्स जो है फ्रीली कहीं पे घूम नहीं पाते। अगर मान लीजिए हम कांग्रेस का प्रचार करने कहीं पे भी जाते हैं तो यही लोग जो है कि हमारे कार्यकर्ता को आकर अटैक करेंगे। इन्हीं की पुलिस जो है कि हम पे आर्म्स का केस देगी, हम पे ड्रग्स का केस देकर हमको जो है कि जेल में बंद करने का धमकी देगी। ये ग्राउंड का सिचुएशन है, लेकिन इस सिचुएशन से भी ऊपर जो आज का जो घटना हुआ वो आज किसी तरह से भी इसको तो हम सपोर्ट तो कर ही नहीं सकते अशोक जी, क्योंकि आज एक केंद्रीय वाहिनी आया। इसी तरह से उदाहरण ले लीजिए, देखिए ईडी ने तो कोई दूध का धुला हुआ नहीं, हम सब जानते हैं। तमिलनाडु में सालेम में दो फार्मर्स के खिलाफ उन्होंने केस कर दिया था जिनको ₹1,000 पेंशन मिलता है। तो क्यों किया था? क्योंकि बीजेपी का कोई लीडर ने उनका ऊपर में केस मुकदमा किया था, इसीलिए उनका ऊपर में नोटिस चला गया था। ये अलग बात है, शुभेंदु अधिकारी के ऊपर में भी समन्स है, हेमंत बिश्व शर्मा का ऊपर में भी मामला है, इसमें कोई सुनवाई नहीं है, कोई तरह का चर्चा नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन अगर कहीं पे भी सही है तो हमको सही सच को फेस करना है। कांग्रेस पार्टी इसी तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सबको जाकर ईडी को फेस किए, सीबीआई को फेस किए, डटकर मुकाबला किए वहां पे। लेकिन उसी जगह में आप देखिएगा जो आज नैरेटिव तैयार हुआ, क्यों तैयार हो आज ईडी के खिलाफ नैरेटिव? ये तो हमारा केंद्रीय संस्थान है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इस पर हमको गर्व होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्यों दिखा जा रहा है कि इनको आज कहीं पे भी भेजना हो तो फटाफट देखिएगा बीजेपी का कोई लीडर एक कंप्लेन करता है ईडी का ऑफिस में और तुरंत दूसरा दिन जो है कि वहां पे कार्रवाई चालू हो जाती है। अरे भाई साहब, आप येडियुरप्पा पे कब कार्रवाई करोगे? आप रेड्डी ब्रदर्स पे कब कार्रवाई करोगे? आप महाराष्ट्र के जो है उप मुख्यमंत्री उनका ऊपर में कब कार्रवाई करोगे? कमरू जी, लेकिन ये कभी नहीं करेंगे। सुनिए कमरू जी, आप जो कह रहे हैं तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि ईडी के खिलाफ एक जो माहौल बनाया उस माहौल का नतीजा है, या ये दरअसल टीएमसी जो इतनी तानाशाह हो गई है? मैं दोनों चीजें पूछ रहा हूं। ये जो ईडी जो कार्रवाइयां कर रही है उसके कारण ऐसा माहौल बन गया है कि आज टीएमसी को के लोगों को ये कदम उठाना पड़ा, या फिर दरअसल जो है ममता दीदी इतनी तानाशाह हो गई हैं और वहां पर गुंडे इतने बेकाबू हो गए कि? दोनों में से क्या सही है? नहीं नहीं, देखिए मेरा ख्याल से ये नहीं है। आज जो बंगाल में जो मीडिया वगैरह में जो नैरेटिव चल रहा है काफी दिनों से,
मैं उसका हकीकत बयान कर रहा हूं। डॉग नहीं, सर, काफी नहीं, दिन नहीं, से कमरू जी, कमरू जी, मैंने दो सिचुएशन रखी आपके सामने। अभी आपने कहा ना कि ईडी दूध की धुली नहीं है, वो ठीक बात है, मैं उस पर डिबेट भी मुझे करने में कोई फर्क, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ अभी जो आपको ये जो सिचुएशन दिख रही है ये किस वजह से, आपने जैसे कहा क्योंकि ईडी के खिलाफ देश में ऐसा माहौल हो गया है, क्योंकि ईडी इतना गलत काम कर रही है, इतना गड़बड़ चीज़ें कर रही है कि इसलिए माहौल बन गया था, इसलिए हमला हुआ, या ममता दीदी के राज में गुंडे जो है बेकाबू हो गए, दोनों में से सही क्या है, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं, आज जो मेरा ख्याल से यहाँ पे तृणमूल में भी दो तीन गुट हो चुके हैं, हर वार्ड में, हर जिले में, हर कस्बा में दो तीन गुट हो रहा है वहां पे, और सबको एक ही चीज का लक्ष्य है किस तरह से लूटपाट कर खाना है, और गवर्नमेंट का साधन जिस तरह से बांटा जा रहा है या जिस तरह से लूटा जा रहा है, इसका तो कोई भी मिसाल आपको इंडिया में, हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। ये तो कोई तर्क नहीं है, क्योंकि हम कांग्रेस से है, हमारा इंडिया अलायंस में वो गठबंधन पार्टनर है, इसके लिए ये मतलब नहीं होता कि हम उनका बुराई को भी छुपना चालू कर दे, छुपाना जो बुरा है उसको तो बुरा बोलेंगे ही, लेकिन आज जिस तरह से ये इंसिडेंट हुआ यहाँ पे, क्या सवाल सबका, आपका मन में भी जो सवाल है मेरा मन में भी वही सवाल है कि ममता बनर्जी आज बंगाल के पुलिस मंत्री है, जब ये घटना घट रही है क्या उनके पास में ये खबर नहीं था, क्या उन्होंने पुलिस को शूट एट साइट ऑर्डर नहीं दिए वहां पे, आज कोई भी वहां पे भगवान का दया से किसी का हताहत नहीं हुआ वहां पे, लेकिन जरूर चोटें आई, जख्म हुआ, कब तक ठीक होंगे ये अलग बात है, लेकिन ऐसा घटना क्यों पैदा हो जब 9:30-8:30 ईडी अधिकारियों ने लोकल थाना को इंटीमेशन दिया कि हम रेड में जा रहे हैं, तब पुलिस वहां पे मौजूद क्यों नहीं थी, क्यों इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ कि सुबह 9:30 तक हजारों आदमी वहां पे इकट्ठा हो गए, क्या कर रही थी लोकल पीएस, ओके, तो इसका जवाब दे तो ना कांग्रेस देगी ना कोई और पार्टी देगी, इसका जवाब दे ममता बनर्जी को खुद देना होगा, ओके, क्योंकि जवाब दे ममता बनर्जी को देनी पड़ेगी। आपने कहा, और मैं आपको एक चीज दर्शकों की जानकारी के लिए सिर्फ मैं ये बता दूं, ये जो राशन घोटाला है ना जिसकी जांच चल रही है, इसकी जांच के लिए खुद जो अधीर रंजन चौधरी ने कई बार सवाल उठाया था, ये माना जा रहा है कि ये जो घोटाला है वो 1,000 करोड़ का घोटाला है, 1,000 करोड़ का, गरीब लोगों का जो राशन का अनाज है ना उसमें घोटाला हुआ है, कोरोना टाइम में भी ये घोटाला चल रहा था, 1,000 करोड़ का घोटाला है, अधीर रंजन चौधरी खुद कह रहे थे कि इसकी कड़ी से कड़ी जाँच होनी चाहिए, और आज जो है जाँच दल पर हमला हो जाता है। मेरे साथ जो है वो तौसीफ जी जुड़ चुके हैं, तौसीफ जी टीएमसी के सपोर्टर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तौसीफ जी, ये जो सारी जिम्मेदारी है इसकी, अभी कमरू जी कह रहे थे कि सीधा सीधा जिम्मेदारी ये टीएमसी की है, सरकार की है, और वहां पर जो है इंटेलिजेंस फेलियर है, पुलिस की नाकामी है। अशोक जी, खुद बीजेपी कह रही है कि वो रेड उन्होंने सीक्रेटली किया, तो इसका तो पहले से कोई खबर तो था नहीं पुलिस व्यवस्था के पास में, एडमिनिस्ट्रेशन के पास में, बल्कि आपने सुना है कि तृणमूल के नेताओं ने और मंत्रियों ने पब्लिक स्टेटमेंट में यह कहा है कि ईडी को, अगर ईडी प्रोटोकॉल को, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो करती, अगर वो डीजीपी को, सीनियर ऑफिसर को, पुलिस ऑफिसर को, या एटलीस्ट चीफ सेक्रेटरी को अगर पहले से इत्तला कर देती, तो सेंसिटिव एरिया क्या है उसे आइडेंटिफाई करके एडिक्वेट मेजर्स, प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या है वो लिया जा सकता था। देखिए, कोई प्रशासन में, पुलिस प्रशासन में कोई नहीं चाहेगा कि कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होने से इसमें उंगली जो है वो ममता बनर्जी पे उठेगा, तो वो बिल्कुल नहीं चाहेगी। लेकिन ऑन रिकॉर्ड शुभेंदु अधिकारी ये कहते हैं कि हम बंगाल में सिचुएशन को खराब करके इमरजेंसी लगाएंगे। तौसीफ जी, एक मिनट सिर्फ रुकिएगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, लेकिन अभी आपने जो फैक्ट उठाया मैं उसकी तह तक जाना चाहता हूं, क्योंकि अभी कमरू जी कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और है, मैं शिवम जी से भी जानकारी ले लेता हूं जल्दी से, और मैं सत्येंद्र जी आपके पास आऊंगा, थोड़ा सा सिर्फ इंतज़ार कीजिए, क्योंकि इसकी तह तक जाना ज़रूरी है, जो बात अभी कमरू जी ने कही तौसीफ जी उसको काट रहे हैं। शिवम जी, सही जानकारी आपके पास है कि क्या ये सच, क्या जो तौसीफ जी कह रहे हैं वो सच है या कमरू जी कह रहे हैं वो सच है? Absolutely not. मैं एक चीज सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि कमरू जी ने जो बात बार बार कही उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने सेंट्रल का स्टैंड फॉलो करें या अधीर रंजन चौधरी का स्टैंड फॉलो करें या किसका स्टैंड फॉलो करें। उनको एक चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई भी एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी कहीं पर भी जांच में जाती है तो उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप उस जांच से इत्तेफाक रखें या ना रखें, आपको वो जांच अच्छी लगे या बुरी लगे, आपको वो जांच बिल्कुल तरहीन लगे या ना लगे। पहली बात तो ये कि ये कोर्ट मॉनिटर जांच है, और इसी मामले में
जिस मामले में आज ईडी शाहजहां शेख से पूछताछ करने गई थी, उसी मामले में ज्योति प्रिय मलिक जो इनके मिनिस्टर हैं वो गिरफ्तार हैं, वो ऑलरेडी जेल में है। अब एक व्यक्ति, एक मंत्री, आप मुझे एक चीज बताइए, वो जेल में है पिछले अक्टूबर को, उसी केस में फॉलो अप जांच के लिए ईडी गई है शाहजहां शेख के घर। वो शाहजहां शेख है भाई, मुगलों का शाहजहां नहीं है कि उसे कोई इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। वो 10,000 अपने सैनिक भेजकर जो है ईडी को पिटवा देगा या फिर इस तरह के हमले करवाएगा। ये कहा कहता हुआ कि भाई हमारी पुलिस को पता नहीं था, बिल्कुल नहीं, सबको पता था, कैसे नहीं पता था। और दूसरी बात, अगर नहीं भी पता है, मान के चलिए मैं कहता हूं आप बाय एंड लार्ज 1% उनको दे भी दीजिए इस चीज का, वो कि नहीं पता था, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके यहाँ पर कोई भी, पहले तो देश का, लोगों का, आम लोगों का, गरीबों का राशन खाओगे, उसमें आपके मिनिस्टर जेल चले जाएंगे, और मिनिस्टर के जेल जाने के बाद अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन तो आप लोगों को मारोगे। शिवम जी एक मिनट रुकिएगा, मैं इस बिंदु पर जो है, जो एक जो दूसरा बिंदु है इसका कि भाई लोगों को भड़काया, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन पहले मुझे इसकी तह तक जाना, इसलिए मैंने कहा आप कह रहे हैं कि, तो कमरू जी 30 सेकंड में जल्दी से, तो आसिफ जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई पुलिस को जानकारी नहीं थी, आपने किस बेस पर कहा कि भाई इंटेलिजेंस फेलियर है, पुलिस को जानकारी थी, उसके बाद में सतेंद्र जी के पास जाऊं। देखिए तौसीफ जी शायद आज दिन भर का घटना को नहीं देखे होंगे लोकल बंगला चैनल्स वगैरह में, मैंने फॉलो किया सुबह 8:30 से 9:30 बजे से। हुआ ये कि ईडी ऑफिसर का यही स्टेटमेंट था कि उन्होंने लोकल पीएस को 8:30 बजे का इंटीमेशन दिया, वहां पे 8:30 बजे से घटना घटा 9:30 बजे, एक घंटा में लोकल पीएस वहां पे मूवमेंट मोबिलाइज नहीं कर सकती थी। और उस एरिया जो है बसीराट कॉन्स्टिट्यूएंसी में गिरता है, एकदम सटा हुआ है बांग्लादेश बॉर्डर से, तो जाहिर सी बात है वहां पे नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है, वहां पे इन्वॉल्व है, वो ऐसा जगह है, वो शेड्यूल कास्ट रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है वैसे भी। और दूसरी बात है वहां पे बहुत सारा ये फार्मिंग होता है, आपको जैसे प्रॉन कल्टिवेशन वगैरह होता है वहां पे, बहुत सारा बिजनेस इंटरेस्ट है वहां पे, फिशरीज वगैरह है वहां पे, और ये सब जो शाहजहां शेख वगैरह जो है ये सब वहां पे अपना एक पैरेलल माफिया चलाते वहां पे। इनका पॉकेट में कलकत्ता पुलिस, इनका पॉकेट में जो है कि प्रशासन, इनका पॉकेट में रहता है यहाँ पे हमेशा। ये जो है कि सीधा सा बात है, मैं आरोप लगा रहा हूं आपके नेशनल टेलीविजन में, ये मेरा ख्याल से ये डायरेक्ट लोकल पीएस को बोले होंगे कि भैया आप लोग कोई नहीं आओगे, हम सवाल लेंगे एक घंटा बाद में आप लोग जो करना है आप लोग कर लो। ईडी को तो आज सबक सिखाना ही है। लेकिन अशोक जी मैं 10 सेकंड और लूंगा, किस तरह से प्रशासन, आज कलकत्ता पुलिस कमिश्नर को एक तलब हुआ था सीबीआई के तरिया, सीबीआई पहुंच गई थी इलेक्शन कलकत्ता कमिश्नर का घर में, उस वक्त कौन आए थे बचाने के लिए, स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आकर धरना पे बैठ गई थी कि मेरा पुलिस कमिश्नर पे कोई रेड नहीं होगा। तो इस ये क्या दर्शाता है यहाँ पे, ठीक है, कि आज ममता बनर्जी अगर कोई आरोपी का सपोर्ट करती है तो ऐसा शाहजहां शेख और 10 पैदा होंगे, वो सोचेगा यही चीज कि मेरा पीछे तो दीदी है, मेरे को तो बचाई लेगी वही। ओके तो आज तो वही नतीजा हुआ। कमरू जी ने जो सब कहा मैं उस पर तौसीफ जी आऊं, लेकिन उससे पहले सत्येंद्र जी आपके, सत्येंद्र जी ये जो मॉडल जो पूरा जो एसओपी किस तरह से होती है इस पूरे मामले में, क्योंकि दो चीज आ रही है कि अगर पुलिस को बता दिया होता तो फिर जो है शायद इंसिडेंट नहीं होता, लेकिन जो कमरू जी कह रहे हैं कि भाई लोकल चैनल्स में जो खबरें आ रही हैं उसमें पुलिस को बताया गया था, पुलिस ने कहीं ना कहीं ये कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि एक घंटे तुम इनको सबक सिखाओ उसके बाद हम आ जाएंगे। देखिए अशोक जी, जहां तक एसओपी की बात है, कोई भी कार्रवाई जो कि तलाशी की कार्रवाई की जाती है उसमें सबसे ज्यादा ध्यान इस बात का रखा जाता है कि किसी भी तरह से ये खबर तलाशी शुरू होने से पहले जिसके यहाँ तलाशी होने जा रही है उन लोगों तक नहीं पहुंच जाए जिससे कि वो कामयाब हो जाए, जो कि उनके पास कुछ एविडेंस है, सबूत वगैरह पड़े, उनको नष्ट कर देंगे। अब जहां तक इस मामले की बात है, इसमें तलाशी होनी थी सत्ता पक्ष के विधायक की, तो यदि लोकल पुलिस को, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब उनको पहले लूप में नहीं लिया गया, तो यदि उनको पहले बता दिया गया होता तो हो सकता है कि न वहां वो अभियुक्त मिलता न कोई और मिलता मौके पे, ठीक है। लेकिन जैसा कि अभी मैंने आपके चैनल पे ही सुना कि पुलिस को लोकल थाने को 8:30 बजे बता दिया गया, तो एकदम सही है। तो 8:30 जब लोकल पुलिस को पता है, सेंट्रल एजेंसी फोर्सेस साथ में थी, तो सारी एसओपी फॉलो की गई है। और दूसरी बात यह है कि एक विधायक की तलाशी होनी थी, क्या ये उम्मीद की जाए कि वहां हमला होगा?
भाई किसी माफिया गुंडे की तलाशी पे तो ईडी के ऑफिसर्स नहीं गए थे, एक विधायक की तलाशी पे गए थे जो कि जिनको की पद की शपथ लिए संविधान से बंधे हुए हैं, क्या उनसे ये उम्मीद की जाए कि वहां इस तरह का हमला वो विधायक नहीं थे, वो विधायक नहीं थे, विधायक नहीं थे, नेता थे वो ब्लॉक सभापति। मेरी थोड़ी जानकारी कम है क्योंकि मैं भी एकदम अपडेट नहीं। जी जी बिल्कुल ठीक है, वो हो सकता स्वाभाविक है जी। ये किसने सिखाया बे? मेरी अपनी है यार, तुझे तो प्यार हो गया बे। चले चल चल चल। अच्छा सुनना, हमारी भी जिम्मेदारी ले लो बे। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया, अपना भविष्य पक्का बना रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार, जो प्लान करे परिवार। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काई को गुरता है, टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लुक देता है, डेंजरस हो सकता है, कंपनी और रिस्क पूरे पूरा समझने का फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। दादी आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? एक महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें और मोबाइल से फोटो खींच कर अपलोड करें। बन गया, अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी, एनपीएस जरूरी है। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों, मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कुछ महीने पहले मेरे दोस्त की हेल्थ अचानक खराब हुई और कुछ दिनों में ही उसकी डेथ हो गई। उसने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था। मैंने पॉलिसी बाजार को कॉन्टेक्ट किया, उनकी टीम ने क्लेम दिलाने में उसकी पेरेंट्स की पूरी हेल्प की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार, पॉलिसी बाजार। 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। दो टुक आप देख रहे हैं, आखिरी दाव ईडी पर पथराव, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। क्या ये एक आखिरी दाव है ईडी, जबकि जांच अपने लेकर आगे बढ़ रही है? तो आज पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हमला हो जाता है, 800 से 1000 लोग मंत्री हैं, उन्होंने कहा, बंगाल के तृणमूल के नेता है, उन्होंने कहा ऑन रिकॉर्ड के प्रोवोकेशन का रिपोर्ट आया है लोकल से। क्या, और कैसे ये, प्रोवोकेशन? और ये मैटर अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, आपको डिटेल थोड़ी, मिल जाएगा। थोड़ी जानकारी होगी ना, जैसे नहीं थोड़ी जानकारी होगी ना कि उन्होंने क्या किसी महिला को जाकर वहां छेड़ दिया, या उन्होंने जाकर जो है कोई गलत चीज पकड़ ली, या फिर उन्होंने वहां जाके नारे लगा दिए टीएमसी नेता के खिलाफ, ममता दीदी के खिलाफ नारे लगा दिए, प्रोवोकेशन क्या ऐसा हुआ होगा? एक टीम जाती है, जब वो एक घर में जाती है कि भाई उनको जानकारी मिली है कि वहां, और ये बात सब जानते हैं ये व्यक्ति किससे जुड़ा हुआ है, जो व्यक्ति जेल में बंदा उससे जुड़ा हुआ है, तो अगर जांच करें तो प्रोवोकेशन क्या हुआ होगा, कुछ तो आपको जानकारी होगी ना? नहीं, मैं देखिए कयास लगाना सही नहीं होगा इसमें, जांच अच्छा। के बाद जो रिपोर्ट आएंगे उस रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। अभी तक के जितने इन्फॉर्मेशन है वही मैं कह सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं कह सकता सर। इन्फॉर्मेशन नहीं है सर, ये तो आरोप है ना। नहीं तौसीफ भाई, तौसीफ भाई प्लीज, तौसीफ भाई प्लीज एक बात सुनिए, ये प्रोवोकेशन नहीं है ना, ये आरोप है सीधा सीधा कि भाई वहां पे इन्होंने जो है भड़काया,
तो ये आरोप है, अगर आरोप है तो उसके पक्ष में कुछ नहीं, तो बयानबाजी हुई ना खाली, मैं भी कह दूं कि भाई किसी ने भड़काया था उसने कर दिया, इस तरह की तो बड़ी हल्की फुल्की बयानबाजी हो जाती ना। अगर सरकार आपकी है, हजार लोग वहां पे जुटे थे, आखिर इस टीम ने ऐसा क्या प्रोवोकेशन किया कि ये जो हजार लोग जुट गए इनको मारने के लिए जान से मारने पे तुल गए, कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो आप बताइए, नहीं तो टीएमसी के नेता एक ही सुर में कह रहे हैं कि प्रोवोकेशन हुआ। नहीं देखिए, 5 बजे तक तो ये कहा जा रहा था कि 200 लोग हैं और अभी रात के 10:45 अभी ये कहा जा रहा है कि 1000 लोग हैं। तो देखिए ये सब होता रहेगा, इसलिए डिटेल्ड रिपोर्ट जब आएगा वो आपके सामने आ जाएगा। और इसलिए ऐसे मामलों में, सीरियस मुद्दों में आदमी को कयास नहीं लगाना चाहिए, अपने मन से नहीं कहना चाहिए। ओके, फैक्ट ये है, जितनी फैक्ट है मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फैक्ट ये है कि शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हम बंगाल का माहौल खराब करेंगे, इमरजेंसी प्रोविजन लगाएंगे। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हम ईडी भेजेंगे और ईडी भेज दिया गया। और ये फैक्ट है कि जो बंगाल मंत्री ने भी कहा कि अगर ईडी कोई एक्शन लेती है, अगर वो चीफ सेक्रेटरी को लूप में रख लेती, अगर वो सीनियर ऑफिसर को लूप में रख लेती, तो ये नहीं हो पाती। शिवम त्यागी रिस्पॉन्ड कीजिए, क्योंकि शिवम त्यागी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं ये जो बीजेपी के नेताओं ने पहले इस तरह की प्लानिंग के तहत हुआ। पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि प्रोवोकेशन है, अशोक जी आप भी बताइए, और मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, इनफैक्ट ईडी के 3 अफसरों के अधिकारियों के सर फूटे हैं, सबके सामने है, वीडियो एविडेंस मौजूद है, किसी को उसमें तो कोई इफ एंड बट नहीं है। जितने लोग वहां पर है वो भी वीडियो में देखे जा सकते हैं, उस पर भी कोई इफ एंड बट नहीं है। ये कहते हैं कि ईडी ने प्रोवोकेशन किया, ये टेक्नोलॉजी का जमाना है भाई, ये डिजिटल युग है। अगर ईडी ने, अधिकारियों ने किसी तरीके का प्रोवोकेशन किया, तो वहां पर जो 1000 लोग खड़े थे उनके हाथों में कैमरा नहीं था क्या? वो वीडियो शूट करके आराम से आगे भेज देते, मीडिया को भी देते थे, अब तक तो कार्रवाई हो जानी थी। ये फालतू में फिजूल की बातें करके इररिलेवेंट मत बनाइए अपने आप को कि भाई वहां पर प्रोवोकेशन हुआ। कोई प्रोवोकेशन नहीं हुआ। प्रोवोकेशन अगर हुआ तो 1000 लोग शाहजहां का जन्मदिन मनाने के लिए बैठे हुए थे क्या? वो 1000 लोग क्या कर रहे थे वहां? ईडी का मतलब थाली लेके का स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे, नारे लगाने थे वाले थे ईडी के फेवर में? 1000 लोगों का क्या काम था भाई? पहली बात। दूसरा, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि भाई ईडी की इतनी सारी कार्रवाई है, 2021 में चुनाव से पहले ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। आप मुझे एक चीज बताइए, पीडीएस स्कैम के घोटालेबाज मंत्री जेल में है, अभी तक बेल नहीं ले पाए। एसएससी स्कैम के पार्थ चटर्जी अभी तक बेल नहीं ले गए। अम्फन तूफान में जो घोटाला हुआ उसमें अभी तक कोई बेल नहीं ले पाया। सालों साल से आप लोग बेल नहीं ले पा रहे हैं। Okay. सालों साल से आपके डिपार्टमेंटल मिनिस्टर्स जेल में हैं, उससे जो कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है, जो चेन है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए ईडी अधिकारी जाते हैं और आप उनको मारते पीटते हैं। ओके, कमाल बात हो गई। ओके नीलू रंजन, ओके 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 नीलू रंजन, क्या आपको लग रहा है ये, क्या ईडी के खिलाफ जो एक पूरा माहौल जो बनाया गया, नैरेटिव बनाया गया, क्या उसके कारण ये प्रोवोकेशन हुआ? नहीं देखिए, एक माहौल तो बनाया जा रहा है, जैसे अभी भी जो बोल रहे थे कि भाई नेता जो वहाँ भाजपा के, उन्होंने कहा ईडी भेज दूंगा, ईडी आ गई। सामान्य रूप में मतलब जो हकीकत है वैसा नहीं है कि कोई चाहे कि मैं किसी के खिलाफ ईडी लगा दूंगा, ईडी भेज दूंगा, और ईडी कोई थाना नहीं है किसी के खिलाफ कोई फर्जी केस रजिस्टर कर ले। ईडी के केस रजिस्टर करने का एक तरीका होता है, उसके अपने शेड्यूल ऑफेंस हैं, अगर उसमें कहीं कोई FIR है तो वो FIR के बाद ही ईडी की PMLA की जांच, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज होती है केस, और उसके बाद जांच शुरू होती है। तो कोई किसी के खिलाफ कह दिया कि मैं ईडी भेज दूंगा और वो ईडी पहुंच गई, ये बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल मतलब अफवाह फैलाया जाना जो है ना, ईडी को बदनाम करने वाली बात है। दूसरी बात कि अगर कोई पहले से FIR है तो FIR किसे कहने पर हुई? अगर CBI ने FIR की है तो पश्चिम बंगाल में CBI का जो जनरल कंसेंट है वो भी वापस ले लिया गया है, यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ भी CBI वहां कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है, राज्य के किसी व्यक्ति को छूने की औकात नहीं है। यानी कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जब ऑर्डर करेगा तभी CBI जांच करेगी, और ये FIR जो हुआ हाईकोर्ट मॉनिटर है, वहां जितनी भी जांच हुई हाईकोर्ट मॉनिटर है, और एक FIR जब CBI की हुई उसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। दूसरी बात कि अगर मान लिए कि जो आरोप लगाते भी हैं कि भाई केंद्र भेज रहा है CBI, लेकिन जो 55 करोड़ 60 करोड़ रुपए कैश पकड़े जा रहे हैं, जो हजारों करोड़ रुपए घोटाले के सबूत मिल रहे हैं, जिन शिक्षकों की फर्जी नियुक्तियां हुई हैं उनकी नियुक्तियां रद्द हो रही हैं, तो ये तो केंद्र सरकार नहीं कर रही है ना, ये तो हाईकोर्ट में सबूत हैं, उनको बेल नहीं मिल रहे हैं। एक देखिए सामान्य सी बात है, यही सवाल जब राजस्थान में इलेक्शन के पहले वहां जो पेपर लीक घोटाला था उसमें जब ईडी की
जांच हुई तो मुझसे सवाल पूछा गया कि वहां ईडी पहुंच गई इलेक्शन के पहले, मैंने कहा बिल्कुल ठीक पहुंच गई, लेकिन एफआईआर किसकी है? तो पता चला कि वहां एफआईआर जो है वो किया हुआ है राजस्थान पुलिस ने। तो मैंने कहा राजस्थान पुलिस को एफआईआर किसने करने के लिए कहा? वो तो गहलोत सरकार के तहत वहां के ही पुलिस ने की रजिस्टर एफआईआर, उस पर जांच नहीं हो रही थी, दबाव डाला था उसकी एफआईआर। मैं कह रहा हूं आपको कि झारखंड में ये हो रहा है कि आप वहां मुख्यमंत्री के खिलाफ पड़ी हुई है, लेकिन झारखंड में अगर वो आप देखेंगे माइनिंग घोटाला है तो वहां 150 एफआईआर है, और वो मतलब हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री रहते हुए अलग अलग थानों में अलग जगह पे एफआईआर दर्ज हुई है। अगर उसके एफआईआर के आधार पे ईडी अगर जांच कर रही है तो आप ईडी को दोष क्यों दे रहे हो? भाई झारखंड की पुलिस ने उन मामलों में एफआईआर कैसे दर्ज की, शिकायत किसने की और उसकी जांच में क्या हुआ? तो बात यही है कि ईडी के खिलाफ जो कह दिया जाता है, प्रचार किया जाता है कि ईडी को भेज दिया, ईडी चली गई। ईडी बहुत ही सॉफ्टिकेटेड जांच एजेंसी है और मनी लॉन्ड्रिंग जिसमें बहुत बड़े लोग शामिल होते हैं, हजारों करोड़ के वायर डाले होते हैं, उनके सबूत ढूंढने होते हैं, बिल्कुल वो सामान्य रूप में कहीं नहीं जाती है। सत्येंद्र जी ईडी को लेकर के मतलब एक तो हमने अभी कल ही देखा INLD के एक MLA दिलबाग सिंह के घर ईडी ने छापा मारा, वहां पे बंदूकें निकली। ईडी मतलब ईडी के पास इतनी पुख्ता जानकारी थी तभी तो वहां सोने के बिस्किट मिलते हैं, बंदूकें मिलती हैं, पैसा कैश पकड़ा जाता है। TMC के एक नेता के जो है उनके सहयोगी के घर पे फ्लैट से जो है करोड़ों रुपए का अंबार पैसे का मिलता है, सोने चांदी। फिर बता रहा हूं मैं बार बार ये बात बताता हूं क्योंकि टॉयलेट के अंदर जो है वहां पर फ्लश के अंदर जो है वहां पे सोने चांदी के आभूषण जो है छुपा के रखे गए थे। तो ये सब ईडी करता है, ये सब चीजें तो आती हैं, लेकिन बार बार ईडी के बारे में कहा जाता है कि पॉलिटिकली टूल बन गया, बार बार ये कहा जाता है कि भाई उसका जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत कम है, विपक्षी नेताओं पर ही जो है छापेमारी होती है, राजनीतिक नहीं। लेकिन टेक्निकली मैं आपको कहूंगा इसका जरूर आप जानकारी इस पर दें। जी अशोक जी, देखिए पहला तो ये कहा जा रहा है बार बार कि ईडी जो केसेस दर्ज कर रही है उसमें कन्विक्शन रेट 0.5% है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि ये जो कन्विक्शन रेट निकालने का तरीका इनका ये है कि साहब कोर्ट में 1000 मुकदमे दर्ज कर दिए ईडी ने, उसमें से 25 में फैसला हुआ, तो कन्विक्शन रेट उन्होंने 1000 में से 25 फैसला हुआ। देखिए एकदम गलत तरीका है कन्विक्शन रेट निकालने। कन्विक्शन रेट कैसे निकलेगी? जिन केसेस में अदालत ने फैसला सुना दिया है उनमें यदि वो अभियुक्त बरी हुए हैं या सजा हुई, आप देखें कि करीब 25 केसेस में करीब करीब अभी तक फैसले हुए हैं, उनमें से 23 में कन्विक्शन हुआ है, तो आप कन्विक्शन रेट देखें तो 95% से ऊपर है, जो हिंदुस्तान की किसी भी एजेंसी से बहुत ज्यादा है। पहला। दूसरा यह आरोप लगाया जाता है कि साहब विपक्ष के नेताओं पे ही जांच हो रही है, सत्ता पक्ष पे नहीं हो रही। तो सवाल है क्या ईडी ने जो इतने मुकदमे दर्ज किए, कभी कहते हैं 5000 केसेज है, क्या सिर्फ पॉलिटिशियंस पे है? ईडी के जो केसेज है वो उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने आर्थिक अपराध किए, भ्रष्टाचार किया है और अपराध से अर्जित संपत्ति को वो सफेद दिखाने या वाइट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ जांच है, उसी में से एक थोड़ा हिस्सा राजनेताओं का है। अब अपराधियों का भी वर्गीकरण किया जा रहा है, ये फला पार्टी के, ये फला पार्टी के हैं, ये कॉरपोरेट की कोई बात नहीं कर रहा, तो फिर उसमें भी बात की जाए कि साहब ये फला जाति का कॉरपोरेट है, इनके खिलाफ तो इतने मुकदमे हुए, दूसरों के खिलाफ कम हुए। आप देखिए हजारों करोड़ के मुकदमे, अभी आप हीरो ग्रुप को देखें, क्या वो प्रतिष्ठित लोग नहीं है? क्या अभी वीवो कंपनी पे, इतनी बड़ी कंपनी, 5000 करोड़ के उनका अटैच कर दिया गया है अकाउंट्स वगैरह, कोई चर्चा नहीं है, कोई जुलूस नहीं निकाले जा रहे। ओके बहुत इंपॉर्टेंट बात सत्येंद्र जी ने कही है, नैरेटिव बनाया जा रहा है। हां सत्येंद्र जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि हजारों केस जो है वो ईडी कार्रवाई करती है, लेकिन उसमें होता क्या, हाई प्रोफाइल जो कि पॉलिटिकल केस होते हैं वो तो लोगों की नजरों में आ जाते हैं, इसलिए एक नैरेटिव बन गया है कि भाई नेताओं के खिलाफ ही होता है और विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही होता है। हजारों मामले ऐसे हैं जिनकी चर्चा भी नहीं होती, ईडी चुपचाप वहां काम कर रहा है। सत्येंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, माफी चाहता हूं मैंने आपसे थोड़ा सा ज्यादा समय जो है आपका यहां पे ले लिया। एक छोटा सा ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद कमरू जी, तौसीफ जी और शिवम जी आऊंगा और नीलू आपके पास भी आऊंगा इस ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है, अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा?
तो फिर आप पॉलिसी बाजार क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, एक करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। देख पवन आ गया। पवन वहाँ क्यों बैठा है? पता नहीं टीवी है। और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले। पता है ना मुझे टीबी है। चल चल तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा? अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की, आप चिंता ही मत कीजिए, लच्छू सब संभाल रहा है। अच्छा भैया जी जैसे आप बताए थे सेम टू सेम जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है और टोपी एकदम लल्लन टॉप। भैया जी यहाँ का भी अपॉइंटमेंट ले लिया हमारे लिए। हमने कहा था ना भैया जी लच्छू सब संभाल रहा है, एकदम हीरो बना के ले जाएंगे अपने भाई को। वहाँ बात की परिवार नियोजन। भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम? वाह अपने परिवार की प्लानिंग में तेरा कोई काम नहीं। जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुढ़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा? लच्छू संभाल रहा है। क्या बोल रहे हैं भैया जी? फोन लगा और सिर्फ ब्याह नहीं ब्याह के बाद की समझदारी की तैयारी करो, समझे? भैया जी शर्माता है, बकलोल है। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया, अपना भविष्य पक्का बना रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में आखिरी दाव ईडी पे पथराव, इसी पे चर्चा कर रहे हैं कमरू चौधरी जी। कमरू जी कुल मिलाकर जो सिचुएशन है बंगाल की वो खराब है, लेकिन ईडी की जो चीज है उसके लिए तो अदालत जाया जा सकता है, कोर्ट जाया जा सकता है अगर ईडी गलत कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से हमला होना तो सीधा सीधा दिखाता है कि वहां पर जो है सिचुएशन ठीक नहीं है। देखिये मैं बंगाल पे आ रहा हूँ, बंगाल का तो हालत आप सबको थोड़ा जल्दी जल्दी मेरा निवेदन है सभी चारों मेहमानों से। मैं एक छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूँ। कुछ दिन पहले बीजेपी का एक MLA ने एक यातनल जी का ऊपर में लगाया 40,000 रुपया 40,000 करोड़ का कोविड का घोटाला लगाया, इल्जाम लगाया उसमें। उसमें बोले कौन सा CBI पहुंची कौन सा ED पहुंची। इलेक्शन से पहले छत्तीसगढ़ में हमारे मुख्यमंत्री का ऊपर आरोप लगा दिया गया कि महादेव ऐप में 508 करोड़ रुपया का घोटाला। ओके तो आज उस घोटाला का क्या हुआ, बीजेपी का प्रवक्ता क्या इसका जवाब देंगे, पहला नंबर सवाल। लेकिन मेन मुद्दा जब बंगाल का बात कर रहा हूं, देखिए आज ये शाहजान शेख या अर्जुन सिंह बोलिए या तो फिर अराबुल इस्लाम बोलिए जो भांगड़ में संदेशखली और भांगड़ बगल अगल बगल का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो ये इलाका में 2018 पंचायत चुनाव से पहले अदालत को ये ऑर्डर देना पड़ा कि भैया विपक्ष के जो कैंडिडेट है वो व्हाट्सएप में नॉमिनेशन फाइल करेंगे। जी जी जी। इस तरह का गुंडागर्दी वहां पे बंगाल में है। अशोक जी आपको यहाँ मौजूद होना होगा कि शहर में तो कलकत्ता में इतना समझ में नहीं आ रहा है, सिलीगुड़ी में समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन गांव देहात में लोगों को अपना अनाज बाजार में ले जाकर बेचने में तकलीफ हो रहा है। जब तक कि तृणमूल का नेता को जाकर आप घूस नहीं दोगे तब तक आप मंडी लेने नहीं ले जा सकते हो। आपको यहाँ पे इस तरह से अराजकता हो चुका है यहाँ पे और प्रशासन सो रही है, सबसे बड़ा बात यही है। ओके मैं शिवम त्यागी जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले तौसीफ अहमद खान जो कह रहे हैं कि सिचुएशन खराब है, एक
ये ठीक है कि ईडी को लेकर के कांग्रेस की भी नाराजगी है, लेकिन कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि ईडी वहां पे बंगाल की सिचुएशन बहुत खराब है। नहीं देखिए अशोक जी, कौन सा स्टेट है भारत का जहां पे क्रिमिनल्स नहीं होते, जहां पे पुलिस के सामने चैलेंजेस नहीं होते? सवाल ये है कि चैलेंजेस जहां पे है उसके खिलाफ एक्शन लिया गया या नहीं लिया गया। और ममता बनर्जी हमेशा से पुलिस को जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट गुंडागर्दी, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की बातें कहती आई है और एक्शन भी उन्होंने करके दिखाया है। तौसीफ भाई जल्दी से ज्योति प्रिय मल्लिक तो अभी भी टीएमसी में है जहां तक मेरी जानकारी है। ठीक है, उनके अगेंस्ट में अगर मटेरियल आते हैं, क्योंकि देखिए इल्जाम शाहजहां शेख ये भी टीएमसी के नेता हैं। ये सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो वो केस पैरेट है। नहीं, वो ठीक है सर, वो एक सवाल इनको पूछिए खाली, 2016 देखिए टीएमसी को लेकर बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी, मैं इस पर जरूर दोबारा से डिबेट करूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन फिर कह रहा हूँ ये जो शाहजहां शेख है ये टीएमसी का है, और उसके बाद जो है मैंने बताया जो ये ज्योति प्रिय मल्लिक भी जेल में, और जेल में होने के बावजूद टीएमसी में, तो ये सब चीजें कई बार लोग देखते हैं। कोर्ट ने सीबीआई को लेकर किया तो पुरानी बात हो गई, लेकिन आज भी अगर मान लीजिए जांच एजेंसियां, तब भी अदालतों इस देश में है ना। खैर शिवम से आगे रिस्पॉन्ड कीजिए, उन्होंने कहा था कि भाई आपके नेता जो है महादेव ऐप में क्या हुआ बताइए, कई सारे आपने केसेस खोले उनमें हुआ क्या? यस, नंबर वन सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि इन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हर एक स्टेट में होती है, लेकिन जवाब जरूर लूंगा महादेव अब जी बोलिए। मेरे लिए भी ये नया है कि व्हाट्सएप पे कैंडिडेट्स नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, तो आसिफ भाई ऐसा इस पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता। आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए, आप मध्य प्रदेश में आ जाइए, आप राजस्थान में आ जाइए, आप आज तो इवन जम्मू कश्मीर में भी जो होने वाला है वहां पे भी नहीं है। अगर आपके राज्य में टेक्नोलॉजी इंप्रेस करना चाहिए कर रहे हैं कैंडिडेट्स, तो माफ कीजिए फिर आप कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए पूरा कमिटेड है। ममता बनर्जी कैसे कमिटेड है? गुंडों को और मुझे लगता है बवर हथियार देकर रखे हुए आप लोगों ने कि ताकि कैंडिडेट्स नॉमिनेशन भी फाइल ना कर सके डेमोक्रेसी में। वन, महादेव आप में इन्वेस्टिगेशन जारी है और हम किसी को छोड़ेंगे भी नहीं, वहां पर गिरफ्तारियां भी लगातार जारी है, चाहे कोई भी हो फॉर दैट मैटर पुराने अभी के आगे, और इसमें कोई नई बात नहीं है भाई। आपको याद होगा अभी पिछले दिनों गोगा मेडी जी की जो हत्या हुई थी राजस्थान में, उसके बाद किस तरीके से जांच तेज हुई है, किस तरीके से हथियारों के पीछे पुलिस है और लगातार चीजों को कंट्रोल कर रहा है। हमारे स्टेट्स में एक चीज बहुत क्लियर है, लॉ एंड ऑर्डर के विषय में चाहे कोई भी किसी भी पार्टी का नेता हो, गुंडा हो, गैंगस्टर हो, हम उसको वही आयरन रॉड के साथ ट्रीट करते हैं और आगे भी ऐसे करते रहेंगे। लेकिन बाकी के राज्यों में कब एक्शन होगा? कहीं ना कहीं कर्नाटका में। ओके। नीरुरंजन एक मिनट, सर नीरुरंजन सवाल है कि आज से ईडी, अभी तक तो ईडी को पॉलिटिकली रूप से कहा जाता था, अब ईडी के सामने एक रियल चुनौती आ गई है जो बंगाल में हुआ बाकी जगह भी दोहराना हो सकता है अगर ईडी के खिलाफ इसी तरह से एक नैरेटिव चला, क्या आगे क्या रास्ता देखते हैं? नहीं, कोई ऐसा नहीं। देखिए ईडी की जो मेन चुनौती है वो अदालत है, और अदालत में अगर उसका केस गिरता है, उसको डांट पड़ती है, अगर आरोपी छूट जाते हैं तो ईडी का फेल्योर होगा। ये जो कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और ये राज्य सरकार का फेल्योर है, ईडी का फेल्योर नहीं है। और इसकी जाँच अगर हुई तो जो लोग जिम्मेवार हैं उस पर कार्रवाई होगी। इसका मतलब ये नहीं कि जो जिसके खिलाफ केस था वो केस बंद हो जाएगा या सबूत खत्म होगा। आगे बंगाल में तो जांच ही नहीं कर पाएगी, नहीं पाएगी भाई, उसके लिए पुलिस का प्रोटेक्शन होगा और हाईकोर्ट वहां पे देख रहा है, अदालत अभी है, और अदालत अगर कह दिया वहां पे राज्य पुलिस को भी कि आप 1000 पुलिस का बल दो इनको साथ में, या इनको पूरा सुरक्षा मिलनी चाहिए, तो कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि अभी भी संविधान के तहत है। कोई पश्चिम बंगाल सरकार जो है संविधान के बाहर नहीं है, कोई पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है संविधान के बाहर नहीं है। ईडी भी को भी ताकत उसी संविधान से मिलती है जिस संविधान से पश्चिम बंगाल सरकार चलती है और वहां की पुलिस चलती है। तो ईडी का यह फेल्योर नहीं है, ये धब्बा जो है पश्चिम बंगाल सरकार पे है, वहां की पुलिस पे है कि एक सेंट्रल एजेंसी की जांच को इस ढंग से वहां पे हमला हुआ, और ये उनको जवाब देना है कि ये हमले को क्यों नहीं रोक पाए। और ईडी की जांच वैसे ही जारी रहेगी निश्चित रूप से। ईडी को सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि अदालत में पुख्ता सबूत हो, और अगर अदालत इनको सजा देती है, बेल नहीं देती है,
ईडी की जीत है वहां पे। बिल्कुल, और ईडी जो है सबूत जुटाने के लिए, अदालत में सबूत रखने के लिए तमाम जांच कर रही है। और फिर कह रहा हूं, इस मामले में जो टीएमसी का मंत्री गिरफ्तार है वो अभी भी जेल में है और सबूत जुटाने के ही काम में ईडी लगी थी। लेकिन ये जो कुछ है शर्मनाक है, आगे देखते हैं इसकी जांच में क्या कुछ निकल कर आता है। इस तरह की चीजें ना हो तो ठीक है, लेकिन ईडी के ऊपर भी जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों के ऊपर भी हम लगातार जो है डिबेट करते रहेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। दो टूक में आज इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।